Hello everyone, hope you all are absolutely fine. Welcome to another video of Indian life in Saudi Arabia. इंडिया में जैसे इंडियन करेंसी को बोलते हैं INR जो कि है इंडियन रुपीज़, वैसे ही सऊदी अरब में सऊदीयन करेंसी को बोलते हैं SAR जो कि है सऊदी अरेबियन रियाल्स। तो ये है सऊदी अरेबियन के 5, 10, 50, 100 और 500 रियाल्स। इस वीडियो में मैं आपको सारे ही सऊदी अरेबियन कॉइन्स और रियाल्स के बारे में बताऊंगी और साथ ही में आपको हर एक रियाल का इंडियन रुपीज़ में कितना वैल्यू होता है वो भी आपको बताऊंगी, जिससे कि हमें एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि यहाँ के करेंसी में और इंडियन करेंसी में कितना डिफरेंस होता है। करेंसी वैल्यू ऑफ ईच कंट्री चेंज होता रहता है एवरी डे। ये करेंसी अप्स एंड डाउन्स डिपेंड करता है कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशंस पर, पॉलिटिकल कंडीशंस पर एंड आल्सो डिपेंड्स ऑन वेरियस अदर फैक्टर्स। तो इस वीडियो में चलिए देखते हैं सारे ही सऊदी रियाल्स का वैल्यू कितना है इंडियन रुपीज़ में। ये है सऊदी अरेबियन कॉइन्स, जैसा कि आप देख रहे हैं 25, 50 और 1 का कॉइन रखा हुआ है। रियाल्स से कम यूनिट के कॉइन्स को हलाला बोलते हैं। ये है 25 हलाला का कॉइन, इसे जैसे कि हम इंडिया में 25 पैसे बोलते हैं, अगर हम इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो इसका वैल्यू हो जाता है 4.75 रुपीस ऑफ इंडियन करेंसी। ये है 50 हलाला का कॉइन, इसे अगर हम देखते हैं इंडियन करेंसी में तो इसका वैल्यू है 9.50 ऑफ इंडियन रुपीस, इसका मतलब है 9.5 रुपये। अब बात करते हैं एक सऊदी रियाल की। तो ये जो है कॉइन्स में भी अवेलेबल हो जाता है और इसका जो है एक रियाल का नोट भी मिल जाता है। अगर हम इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो एक सऊदी रियाल इज़ इक्वल टू 19 रुपीज़ ऑफ इंडियन करेंसी, यानी कि 19 रुपये। तो ये थे सऊदी अरेबियन कॉइन्स, 25 हलाला, 50 हलाला और 1 रियाल का कॉइन। चलिए अब देखते हैं सऊदी अरेबिया के 5 रियाल्स का वैल्यू कितना हो जाता है इंडियन करेंसी में। तो 5 रियाल्स इज़ इक्वल टू 95 रुपीज़ ऑफ इंडियन करेंसी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये है 10 रियाल्स का नोट, जिसे कि अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाते हैं 190 रुपीज़, यानी कि 190 रुपये इंडिया के। 50 रियाल्स, ये है 50 रियाल्स का नोट, इसे अगर हम देखते हैं इंडियन रुपीज़ में तो हो जाता है 950 रुपीज़ ऑफ इंडियन करेंसी, यानी कि 50 रुपये कम 1000 के, 950 रुपये। अब बात करते हैं 100 रियाल्स की। तो ये है 100 रियाल्स का नोट, अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो हो जाता है इंडिया के 1900 रुपये, यानी कि 1900 रुपीज़ ऑफ इंडियन करेंसी इज़ इक्वल टू 100 रियाल्स ऑफ सऊदी अरेबिया। ये है सऊदी अरब की सबसे हाईएस्ट करेंसी नोट, जो कि है 500 रियाल्स। इससे ज़्यादा की करेंसी के नोट्स हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे कि इंडिया में 1000 और 2000 के नोट्स अवेलेबल होते हैं, सऊदी अरब का हाईएस्ट करेंसी नोट है 500 रियाल्स। अगर हम इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाता है 9500 ऑफ इंडियन करेंसी, यानी कि 9500 रुपये। तो ये थे सऊदी अरब के सारे कॉइन्स और नोट्स, यानी कि हलालास और रियाल्स, जिसे कि मैंने इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके आपको बता दिया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ सो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक, शेयर, कॉमेंट ऑन दिस।